मोदी पर दागी ताबड़तोड़ सवाल। मोदी की जाति कॉन्सेप्ट का राहुल ने किया बंटा था। जनरल में पैदा होकर खुद को ओबीसी बताते हैं प्रधानमंत्री। 24 घंटे देश से झूठ बोलते हैं मोदी। मोदी जी कहते हैं भाषण में पार्लियामेंट में, एक सेकंड लिया, मोदी जी पार्लियामेंट में कहते हैं ओबीसी वर्ग को भागीदारी की क्या जरूरत, मैं ओबीसी हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। फिर से सुनो, मोदी खुद को ओबीसी बताते हैं, लेकिन सच्चाई है कि उनका जन्म जनरल कास्ट में हुआ, जिसे 2000 में ओबीसी कैटेगरी में डाला गया। जाति के नाम पर मोदी 24 घंटे देश से झूठ बोलते हैं। जातियों की गिनती से डरते हैं मोदी। वो नहीं चाहते कि देश के आदिवासी, दलित, पिछड़ों और अति पिछड़ों को उनकी संख्या बल का पता चले। मोदी कहते हैं कि देश में सिर्फ दो जातियां हैं, अमीर और गरीब। फिर मोदी जी ये बात बता दें कि वो ओबीसी कैसे हो गए। सुनो, आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। मुझे बर्थ सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, पता है मैं कैसे जानता हूं कि आपके प्रधानमंत्री ओबीसी पैदा नहीं हुए। वो किसी ओबीसी से गले नहीं मिलते, वो किसी किसान का ऐसे हाथ नहीं पकड़ते। जो मेरे इस जातीय जनगणना के सवाल से नाखुश हैं, वो ये बता दें अगर कि अडानी की कंपनी में कितने दलित बैठते हैं, कितने आदिवासी बैठते हैं, कितने पिछड़े बैठते हैं, कितने गरीब जनरल कास्ट के बैठते हैं, कितने अति पिछड़े हैं, तो मैं उस दिन से जातीय जनगणना नहीं मानूंगा। कांग्रेस पार्टी किसी भी हाल में इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगी। जातिगत जनगणना करवाना ही होगा, और अगर ये मोदी जी से नहीं होगा तो कांग्रेस पार्टी सरकार में आकर इसे पूरे देश में करके दिखाएगी। अदानी जी की कंपनी में जाइए, मुझे दिखा दीजिए कौन सा गरीब व्यक्ति, जनरल कास्ट का गरीब व्यक्ति उसमें घुस सकता है। मुझे दिखा दीजिए कौन सा ओबीसी बैठा है वहां पे, कौन सा दलित बैठा है, कौन सा आदिवासी बैठा है, मुझे बता दीजिए। जिस दिन मुझे दिख जाएंगे, मैं जाति जनगणना नहीं मांगूंगा। उस दिन तक मैं जाति जनगणना करवा के दिखाऊंगा।